बच्चों को ऐसे सोच दे, बच्चे बड़े होकर उनका दर्द बने। ये नहीं कि हमारे पास बड़ा पैसा होना चाहिए, हमारे बच्चे एयर कंडीशन स्कूलों में पढ़ेंगे, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे। अलग कॉलेज था नहीं, आम स्कूल था, पर ये थे कि माँ बाप के संस्कार थे, शिक्षा देने वाले जो गुरु थे उनके संस्कार थे। उन संस्कारों को लेकर कहाँ चली गई, आज वो चली गई कल्पना चावला, पर उसका नाम हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा। आज मेडिकल कॉलेज भी करनाल में खोला गया। तो माँ बाप कभी ये मत समझे कि अपने आप पढ़ जाएंगे बच्चे, नहीं। जहां आप घर में और कामों के लिए वक्त देते हैं, बच्चों को बैठा कर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम उधम सिंह, इनके इतिहास के बारे में पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि उनको कहो तो बड़े होकर बंदूक पकड़ेगा ना, ये हमारा काम है, ये सुरक्षा का काम है, देश की आजादी की रक्षा का। उनको ये जरूर बताना है कि ये जो तिरंगा झंडा है, जो कागज का टुकड़ा नहीं, ये तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडा है। ये जो शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहादत दी थी, तो शहीद आजम भगत सिंह ने क्या कहा था? जब शहीद आजम भगत सिंह की माँ शहीद आजम भगत सिंह को मिलने जाती है स्कूल में, कॉलेज में एक स्टूडेंट, तो मौत सामने थी, फांसी के रस्ते सामने थे, भगत सिंह जी की आंखों में आंसू होते थे। माँ कहती, भगत सिंह तू रो पड़ा, मैं बाल जाकर क्या कहूंगी, मेरा बेटा, मेरा बच्चा फांसी के रस्ते को देख के रो पड़ा। भगत सिंह कहता, माँ नहीं, मेरे और राजगुरु सुखदेव के फांसी के रस्ते को चूमने के बाद मुझे एक तस्वीर नजर आती है, ये गोरे अंग्रेजों से तो भारत आजाद हो जाएगा, जो तस्वीर नजर आती है कि काले अंग्रेजों के हाथों में आ जाएगा, वो सच हुआ। मैं सबको, राजनीतिक लोगों को, मैं भी राजनीतिक, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही काले अंग्रेज हैं, पर 70% तो काले अंग्रेज हैं, राजनीतिक लोग